दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार में हाल ही में हुए धमाके के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट मोड पर आकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इस मामले में शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। डीसीपी ने कहा है कि उन्होंने क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर सभी थानों के एसएचओ के साथ बैठक की है। इलाके पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और अब तक जिले में 6 मॉक ड्रिल भी की गई है। इसके अलावा पैदल मार्च का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस नॉर्मली एंटी टेररिस्ट मेजर्स के ऊपर काम रेगुलरली करती रहती है। ये जो एक्टिविटीज होती हैं एंटी टेररिस्ट मेजर्स जो हम लेते हैं, ये इंटेंसिफाई हो जाती हैं। कोई त्योहार होता है या कोई और इस तरीके का फंक्शन सामने आता है तो ये हम ऑलरेडी इंटेंसीफाई कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी त्योहारों का ये मौसम चल रहा है और अभी दशहरा गया है, अब आगे दिवाली आएगी, तो ये ऑलरेडी इस महीने में हम लोगों के एंटी टेररिस्ट मेजर चल रहे हैं। कल ये जो घटना हुई है उसके बाद हमने शाहदरा जिले के अंदर एंटी टेररिस्ट मेजर बढ़ाए। हमारे आईज एंड ईयर्स टीम की कल 67 मीटिंग हमने करी है। उसके अलावा इंटेंसिव फुट पेट्रोलिंग हमने करी है 14 इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वो। RWA MW की हमने 4 मीटिंग करी है कल। सेकेंड हैंड कार डीलर्स को हमने वेरीफाई किया है 11 को। मार्केट मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने 7 उनकी चेकिंग कराई है। इसके अलावा टेनेंट सर्वेंट वेरीफिकेशन की हमने 46 वेरीफिकेशन की है। और ये अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरे महीने में जो अभी तक अक्टूबर महीने में जो पूरा चला है, इसमें हमने 6 मॉक ड्रिल भी कराई है, जिसमें से आज एक मॉक ड्रिल है दोपहर में 2:30 बजे PS शाहदरा एरिया में जो विकास माल है वहाँ पर। ओवरऑल हम लोग ये 1 से 15 तक ये कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो फिगर्स हैं आईज एंड ईयर्स स्कीम की 227 हमने मीटिंग आज तक करा ली है। सेकेंड हैंड कार ये मैं 1 से 20 तक की आपको फिगर दे रहा हूँ इस महीने की। आईज एंड ईयर्स स्कीम में 227 हमने वेरिफिकेशन या मीटिंग कर ली है। सेकेंड हैंड कार डीलर हमने 176 जो भी उन्होंने कारें बेची हैं उनको वेरीफाई कर लिया है। मॉक ड्रिल मैंने जैसा आपको बता दिया कि 5 हो चुकी हैं, आज 6ठी है, तो टोटल 6 मॉक ड्रिल हमने कराई है। इस तरीके से होटल की जो चेकिंग है 131 होटल्स में हमने गेस्ट की चेकिंग करी है। टेनेंट और सर्वेंट में अभी तक हमने टेनेंट वेरीफिकेशन 972 कर लिए हैं और 636 हमने सर्वेंट वेरीफिकेशन कर लिए। तो ये इस तरीके की हम लोग मेजर्स रेगुलरली लेते रहे। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में गांधीनगर एक बहुत बड़ा मार्केट हब है और कुछ शाहदरा छोटा बाजार में भी है। यहाँ त्योहारों के टाइम काफी भीड़ बढ़ जाती है, किस तरीके से वो भीड़ मैनेज की जाएगी और क्या कुछ वहाँ इंतजाम किए जाएंगे? वही है, हमने अब क्या है ना, इसके मद्देनजर जो आपने अभी बात बताई प्रशांत विहार वाली, उसके मद्देनजर हमने इसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। हमने तमाम स्टाफ की बुलाकर मीटिंग करी है। मीटिंग करने के बाद उन लोगों को ये बताया है कि कितनी सीरियसनेस है इस मैटर की दिल्ली पुलिस के लिए, और उस हिसाब से आप तमाम जो हमारा लोअर स्टाफ है उनकी भी ब्रीफिंग करी है। इसमें हमने रात की पर्टिकुलरली जो पेट्रोलिंग है और रात की जो चेकिंग है उसको हमने इंटेंसीफाई किया है बहुत ज़्यादा। लोगों तक, आम जनता तक कैसे मैसेज पहुँचाया जा रहा है, खासकर इस तरीके का कोई अज्ञात व्यक्ति आम जनता के लिए ये मैसेज हम किसी भी पब्लिक फोरम में मैं जाता हूँ या मेरे दूसरे अधिकारी जाते हैं, आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है, आप सुरक्षित फील करें। और अगर कोई इस तरीके की चीज़ आपको दिखाई देती है सामने जो लावारिस पड़ी है उसका, प्लीज़ पुलिस को बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। उसका एक प्रोटोकॉल है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, हम उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और उसके अलावा जो रात की हमारी चेकिंग है, एक हमारा DP एक्ट के अंदर जो व्यक्ति ऐसे ही घूम रहे होते हैं मतलब बिना काम के, तो एक हमारी 65 DP एक्ट की कार्रवाई होती है और एक 66 व्हीकल्स के लिए होती है 66 DP एक्ट की, उसमें हमने मेजर इंटेंसिफिकेशन कर दी है रात के अंदर। सर, दिवाली के मौसम में पटाखों का बैन है, क्या उसके लिए भी कोई ऐसा आपने कोई प्रोटोकॉल या नियम बनाया है कि उसको रोकने की कोशिश की जाए? बिल्कुल, उसके लिए तो रेगुलरली एक्शन चल रहा है हमारे जिले के अंदर। हम लोगों ने बहुत सारे इसमें अभी तक मेरे को लगता है 6-7 केसेस हम कर चुके हैं, और उसमें लगभग लगभग मेरे को जो मोटा मोटी ध्यान आ रहा है
तो हम 500 किलो के आसपास या उससे ज्यादा, मतलब 500 किलो के आसपास हम ऑलरेडी पटाखे रिकवर कर चुके हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।